मशहूर तमिल अभिनेता और वीडियो जॉकी आनंद कानन का 48 साल की उम्र में निधन हो गया है। 16 अगस्त को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। तमिल अभिनेता आनंद कानन की मौत हो गई है। कानन पिछले काफी समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनके करीबी दोस्त और निर्देशक वेंकट प्रभु ने सोशल मीडिया के जरिए आनंद कानन की मौत की जानकारी दी। प्रभु ने ट्वीट किया कि एक बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन इंसान अब नहीं रहा। उन्होंने आनंद की तस्वीर साझा करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। आनंद 1990 के दशक के लोकप्रिय अभिनेता थे। उन्होंने कई लोकप्रिय तमिल शो होस्ट किए। उनके करियर की शुरुआत सिंगापुर वसंतम टीवी से एक्टर और होस्ट के तौर पर हुई थी। इसके बाद सन म्यूजिक के साथ उन्होंने वीडियो जॉकी के तौर पर काम किया। फिल्मकार वेंकट प्रभु ने उनके साथ सरोजा फिल्म में काम किया। आनंद की मौत से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। अभिनेता से नेता बनी गायत्री रघुराम ने भी आनंद की मृत्यु पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि इतना प्यारा इंसान जल्दी चला गया। उन्होंने आगे कहा कि आनंद हमेशा मुस्कुराते रहते थे, वो दूसरों के चेहरों पर भी हंसी ले आते थे। अभिनेता अशोक कुमार ने कहा कि आनंद कानन हमेशा उस सकारात्मकता के साथ हमारे साथ रहेंगे जो उन्होंने हमेशा व्यक्त की थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार और करीबी प्रियजनों को इस दुख का सामना करने की ताकत दें। आनंद कानन के प्रशंसकों ने भी उनकी मृत्यु पर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की है। एक प्रशंसक ने उनकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि विश्वास नहीं हो रहा कि आनंद कानन अब नहीं रहे। एक के बाद एक बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और कॉलीवुड से कुछ न कुछ दुख की खबरें आती जा रही हैं। ऐसे में लोगों का यूं असमय जाने का सिलसिला कब रुकेगा, ये कहना जरा मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल दौर में हम सभी के लिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और पेज को लाइक करें।